जय हिंद, मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टेलर के अनुसार जो दिया हुआ है वो। देखिए, मानव जो है हमेशा से जिज्ञासु रहा है, वो हमेशा से चीज़ों को खोजते रहा है, वो हमेशा ये सोचते रहा है कि इस पृथ्वी पे पर्वत कैसे बने होंगे, पठार कैसे बने होंगे, महासागर कैसे बने होंगे, महाद्वीप कैसे बने होंगे। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत सारे अनुसंधान होते रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अनुसंधान किया है और बहुत सारे एविडेंस जुटाया है और इस पृथ्वी के रहस्य को सुलझाया है। उसी में सर्वप्रथम अगर आप नाम लेंगे तो लॉर्ड केल्विन नाम का एक व्यक्ति थे, साथ ही लैपवर्थ और लव नाम के एक व्यक्ति थे। एक चतुष्फलक परिकल्पना दिया था लोथियन ग्रीन साहब ने और एक एडवर्ड स्वेस महोदय थे। सबने पृथ्वी के संकुचन को जिम्मेवार ठहराया था इस पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है उसके बनने के लिए। उन्होंने बताया कि जो पूरे पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं इसमें पूरे पृथ्वी जिस स्थान पे अभी वर्तमान में है उसी स्थान पे उनका निर्माण हुआ है। यह पृथ्वी जब बनी थी गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने से क्या है, ऊपरी परत ज़्यादा ठंडी हो गई और ऊपरी परत ज़्यादा ठंडी हो गई और निचली परत कम ठंडी रही, मतलब वो ज़्यादा गर्म ही रही। तो इसके कारण जो है ऊपरी परत और निचले परत के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हुआ और ऊपरी परत जो है उसमें जगह जगह पे बलन हो गया, उसमें फोल्डिंग हो गया, कहीं कहीं पे फॉल्टिंग हो गया, तो उसी कारण से पर्वत बन गए, है ना। जहाँ जहाँ उभार हुआ, जहाँ जहाँ उठ गया उसको एंटी क्लाइन, जहाँ जहाँ धंसा, जहाँ जहाँ नीचा स्थान रह गया उसको सिन क्लाइन कहते हैं। तो इस तरह से इन विद्वानों ने, जैसे लॉर्ड केल्विन हो, लैपवर्थ हो, या फिर लोथियन ग्रीन साहब हो, या एडवर्ड स्वेस हो, उन्होंने इस तरह से बताया। लेकिन वर्तमान में जो सिद्धांत है वह वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाएगा जब यह बताएगा कि यह सारे के सारे जो महाद्वीप आप देख रहे हैं और महासागर है, यह प्लेट के बने हुए हैं और प्लेट में संचलन होता है। तो जो संचलन होता है प्लेट में, ये तो एकदम रिसेंट थ्योरी है, उससे पहले वेगनर साहब ने थ्योरी दिया था और उससे भी पहले टेलर साहब ने अपना सिद्धांत दिया था और बताया था कि ये पूरा का पूरा जो आप विश्व देखते हैं वर्तमान में, वो यहाँ हमेशा से नहीं रहा है, बल्कि वह कहीं ना कहीं से टूट करके और संचलित होकर के वर्तमान स्थान पे पहुंचा है। लेकिन उनसे भी पहले एक और विद्वान थे, उनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में ही बता दिया था कि इस पूरे यूरोप और अमेरिका के बीच में, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, इसमें कोयला पाया जाता है कार्बोनिफेरस युग के, और उसके कोयले के तहों में जो जीवाश्म मिलते हैं उसमें बहुत समानता है, ये दोनों के जीवाश्म में समानता है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि ये दोनों स्थलखंड कभी आपस में जुड़े हुए थे और बाद में किसी भौगोलिक फोर्स के कारण, भौगोलिक हलचल के कारण यह दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और बीच में जल का क्षेत्र आ गया जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत किया था एंटोनियो स्नाइडर ने। उसके बाद 1908 में एफ.बी. टेलर महोदय थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि सारे के सारे महाद्वीप खिसकते रहते हैं, चलते रहते हैं, संचलन करते हैं। कहाँ संचलन करते हैं? इस पृथ्वी के तीन परत है, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बताया हूँ। एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताया था उस समय कि यह जो पृथ्वी है वह तीन परतों से बना हुआ है। एक परत है ऊपर का, उसको बोलते हैं सियाल, फिर उसके बाद जो है सीमा का परत आता है, उसके बाद बीच में नीफे आता है, इसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा और इसको बोलते हैं नीफे। तो टेलर महोदय जो थे उन्होंने कहा कि ये जो सियाल है ना वो सीमा पे तैर रहा है, ये सीमा पे तैर रहा है, आराम से तैर रहा है, और तैरने के पीछे कौन कौन से बल है उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करते हैं। पहले इनको समझते हैं कि वे चाहते क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था तृतीय युग के नवीन मोरदार पर्वतों के विस्तार को समझाना। तृतीय युग क्या होता है? तृतीय युग यानी टर्सरी पीरियड। यह जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि एक तृतीय युग आता है, आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले का ये युग है, और उसी समय इस पृथ्वी पे बड़े बड़े पर्वत बने। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मानचित्र में, यहाँ पे आप देखेंगे कि तृतीय युग में हिमालय पर्वत बनता है, ये देख रहे हैं हिमालय, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि एटलस पर्वत है, आप देखेंगे यूरोप में आल्प्स पर्वत है,
आप यहाँ पर देखेंगे एशिया में जो कैस्पियन सागर है और काला सागर के बीच में काकेशस पर्वत है, साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आप देख रहे हैं एंडीज पर्वत है। तो इसको देख करके टेलर महोदय ने कहा कि आखिरकार ये बने कैसे हैं, इनका क्रम ऐसे कैसे हो गया कि कुछ पर्वत उत्तर से दक्षिण को विस्तारित है, ये देख रहे हैं रॉकी और एंडीज, और कुछ पर्वत जो है वह पूरब से पश्चिम फैले हुए हैं, जैसे हिमालय है, जैसे कुनलुन है, जैसे आल्प्स पर्वत है, जैसे आप देख रहे हैं एटलस पर्वत है, यहाँ पे देख रहे हैं एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप पूरा का पूरा जो है काकेशस पर्वत, यह सब पूरब से पश्चिम फैले हुए हैं जबकि यह जो है उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। अब उनको यह पता लगाना था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो उनका रिसर्च आगे बढ़ता है, वह बहुत सारे खोजे करते हैं और उसके बाद वह एक सिद्धांत फॉर्मुलेट करते हैं और उसका नाम रखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वह एक जियोलॉजिस्ट थे, बड़े विद्वान थे, बहुत पारखी नजर थी और इसके आधार पर उन्होंने ये सब चीजों को देखा। अब देखिए, अब उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं भी बनाई थी अपने सिद्धांत के लिए। ऐसे भी जब थेसिस तैयार किया जाता है और पेपर तैयार किया जाता है, रिसर्च पेपर, तो उसमें परिकल्पना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं निश्चित की, वो परिकल्पनाएं क्या है उसको जरा देखिए। यहाँ पे आप देखें क्रिटेशियस काल में उत्तरी ध्रुव की तरफ लॉरेंसिया और दक्षिणी ध्रुव की तरफ गोंडवाना लैंड था। ये क्या है इसको अभी आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ग्लोब है, इस ग्लोब में आप देखते हैं कि यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है। तो टेलर महोदय ने कहा कि आज से 13.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल आप समझ रहे होंगे कि वह एक पीरियड है, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है ईरा, सबसे बड़ा होता है ईरा, इसको बोलते हैं महाकल्प, उसके बाद होता है इपोक, इपोक इसको बोलते हैं युग, और इससे छोटा होता है उसको बोलते हैं पीरियड, उसको बोलते हैं शक। तो इसको शक आप कहिएगा क्रिटेशियस काल में, और इसी काल में उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था। तो वो उससे पहले की बात वो नहीं करते, उसके पहले क्या था इसके बारे में बात नहीं करते, उन्होंने अपनी कहानी ही शुरू की, अपना थेसिस ही शुरू किया, अपना रिसर्च ही शुरू करते हैं क्रिटेशियस काल में ले जाते हैं और वहां से वो शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि क्रिटेशियस काल में इस पूरे पृथ्वी पे जो दो ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पे दो स्थल खंड थे बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे जो स्थल खंड थे उसका नाम था लॉरेंसिया, और दक्षिण में जो स्थल खंड थे जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास थे उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और उन्होंने बताया कि ये जो है ये लॉरेंसिया है और ये जो गोंडवाना लैंड है ये कैसे संचलित होता है, इसमें संचलन होता है, यह ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, साथ ही साथ दो स्थलखंड जो है वह टूट करके पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है। तो उन्होंने आगे इस बारे में बताया उनकी प्रक्रिया क्या है उसको आप देखिए, अभी हम आपको पूरा मैकेनिज्म को समझाते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि क्रिटेशियस काल में पृथ्वी जो है वह वर्तमान से बहुत तेज गति से घूम रही थी। अभी आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूरब ऐसे, और अभी आप देख रहे हैं कि जो इसकी गति है इससे बहुत तेज गति थी क्रिटेशियस काल में, बहुत तेज गति से एकदम स्पीड में घूमता था। अब ज्यादा स्पीड में घूमने से क्या है कि एक बल लगता है इस पे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बोलते हैं केंद्रापसारी बल, और वह बल क्या काम करता है कि इस पृथ्वी के ऊपर का जो क्रस्ट है जिसको सियाल कहते हैं, टेलर महोदय ने कहा सियाल है, उसका एक पार्ट इसमें से उखड़ के बाहर की ओर आ गया, और वह बाहर की ओर जो आया उस समय पृथ्वी काफी गर्म थी, और गर्म थी उसके कारण इसका जो एक पार्ट है वह बाहर आ गया, और बाहर आके ठंडा हुआ, ठंडा होकर के उस पर चट्टान की रचना हो गई, और वह खंड पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा, उसी को कहते हैं मून यानी चंद्रमा,
चंद्रमा बनता है पृथ्वी से, उन्होंने टेलर महोदय ने चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से बताया, वह भी क्रिटेशियस काल में, और कहते हैं कि जो जो सियाल का परत बाहर निकला था वहां पे गड्ढा बन गया, और उसी गड्ढा में पानी भरने से प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। आप जो ये देख रहे हैं प्रशांत महासागर, ये गड्ढा बना था क्रिटेशियस काल में टेलर के अनुसार, बाहर वो निकालते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्यों बाहर निकला? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि उस समय पृथ्वी बहुत तेज गति से रोटेट कर रही है, इसके कारण यहां से स्थलखंड बाहर निकलते हैं, गड्ढा बनता है, उसमें जल भर जाता है, वो प्रशांत महासागर बन जाता है। अब क्या होता है उसके आगे का अभी आपको हम बता रहे हैं। इस तरह से जब क्रिटेशियस काल में चंद्रमा का निर्माण हो जाता है पृथ्वी से ही, तब वहां पे दो फोर्स काम करते रहता है। कौन सा फोर्स होता है? एक इक्वेटोरियल इक्वेटरवार्ड फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। एक कहते हैं भूमध्य रेखीय बल और दूसरा है चंद्रमा टाइडल फोर्स। तो क्या होता है उस समय में, टेलर महोदय कहते हैं कि इक्वेटोरियल फोर्स से क्या होता है कि इधर लॉरेंसिया है स्थलखंड, और आप देख रहे हैं साउथ पोल पे गोंडवाना लैंड है। तो ये लॉरेंसिया जो है वह इक्वेटर की तरफ खिसकना शुरू करता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, और गोंडवाना लैंड ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकना शुरू करता है इक्वेटर की तरफ। ये इक्वेटर है, तो ये जो बल लग रहा है इक्वेटर की तरफ, इसलिए इसका नाम है इक्वेटर वार्ड फोर्स। तो यहां से महाद्वीप खिसकना शुरू करते हैं उत्तर की तरफ, और उत्तर वाले महाद्वीप दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए, इससे होता है हिमालय आल्प्स और काकेशस पर्वतों का निर्माण। आप देख रहे हैं कि यहां पे हिमालय है। जब लॉरेंसिया नीचे की तरफ आ रहा था तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी बल लग रहा है, नीचे जो आ रहा है, तो उसमें क्या है कि महाद्वीप के और ये स्थलखंड है उसके किनारे किनारे जो कोमल चट्टाने होती है, नदियों के द्वारा निक्षेप के द्वारा बनाई जाती है वो चट्टाने, उस चट्टानों में बलन पड़ जाता है और उससे हिमालय का निर्माण हो जाता है ऐसे। और नीचे से जो आ रही है गोंडवाना लैंड, उसके इस दोनों के बीच में टकरा जाने से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, साथ ही साथ काकेशस पर्वत भी बन गए, आल्प्स पर्वत भी इसी तरह से बने हैं लॉरेंसिया महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की तरफ आने और गोंडवाना लैंड के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने के कारण। और साथ ही जब यह उत्तर से दक्षिण आ रहा था तो उसका विस्तार हो रहा था, यानी कि वह एक तरह से फैल रहा था, और फैलने के कारण उसके उसमें फ्रैक्चर पड़ता है, उसमें फॉल्ट पड़ जाते हैं, और वहीं से वह टूट करके पश्चिम की तरफ खिसकने लगता है टाइडल फोर्स के कारण, ज्वारीय बल के कारण। जब वह पश्चिम की ओर खिसकने लगता है तभी बनता है यहाँ पे, टेलर महोदय के अनुसार आप देख रहे हैं कि बैफिन की खाड़ी बन जाता है, लेब्राडोर सी बन जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं बैफिन की खाड़ी है, डेविस जल संधि यहाँ पे बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे है नॉर्थ सी है, यहीं पे आप देख रहे हैं, तो डेविस की संधि भी यहाँ पे बन जाता है, जिसको डेविस जल डमरू मध्य कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बनता है ये। लेकिन अंटार्कटिका में क्या बनता है, अंटार्कटिका में रॉस सागर बन जाता है, रॉस सागर। ये जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक रहा है, उसका विस्तार बढ़ रहा है, फ्रैक्चर हुआ और बीच में स्थान खाली हुआ, उसमें आके जल भर गया, तो उससे बना रॉस सागर। इसको आप समझ गए। दूसरा टाइडल फोर्स जो चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है। अब आपको पता है कि चंद्रमा में ज्वारीय बल है, वह अपनी ओर चीजों को खींच रहा है। उस समय चंद्रमा बहुत नजदीक था पृथ्वी से, तो उसका टाइडल फोर्स भी ज्यादा था, और उस समय पृथ्वी का रोटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि जब चंद्रमा निकला यहां से क्रस्ट से निकल करके जब बाहर हो गया तो पृथ्वी का मास द्रव्यमान कम हो गया, यहां पे गड्ढा बन गया और पानी भरने से प्रशांत महासागर बना। लेकिन चूंकि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा स्थलखंड बाहर निकल गया था, इसके कारण इसका मास इसका द्रव्यमान कम हो गया और इसका रोटेशन और ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा तीव्र गति से या पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करना शुरू कर दिया। तो उससे चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ कि होता क्या है, जब यह घूर्णन करता है बहुत तेजी से, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा इसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन चंद्रमा का जो अपना एक ऑर्बिटल पथ है वह 29.5 दिन का है, और रोटेशन भी वह करता है अपने अक्ष पे 29.5 दिन में, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में रोटेट कर जाती है।
पृथ्वी के सामने से फिर आकर के फिर उसके सामने जो है सूरज के सामने वह एक परिक्रमा में पूरा हो जाता है, उसका 24 घंटा में पूरा हो गया घूर्णन, सॉरी घूर्णन। और चंद्रमा का जो है वह 29.5 दिन लगा। तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूर्णन करती रहती है, लेकिन चंद्रमा जो है वह काफी धीरे 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 करेगा, क्योंकि उसको 29.5 दिन लगेंगे, जबकि पृथ्वी 24 घंटा में ही घूम गया। तो होगा क्या कि चंद्रमा जो है एक तरह से एक तरह से फ्रिक्शन का काम करेगा, उसको जो 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 महाद्वीप है उस पर उसको खींच रहा है, तो वह महाद्वीप इस पृथ्वी के साथ नहीं घूम करके वह थोड़ा पीछे छूट जाता है, मतलब वह पश्चिम की तरफ जाने लगता है। और इससे क्या होता है कि कुछ स्थलखंड पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वह टाइडल फोर्स के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के साथ नहीं होने के कारण और पश्चिम में छूट जाने के कारण यह पश्चिम की तरफ इनका डायरेक्शन हो जाता है और बीच से जल भर जाता है और बीच में अटलांटिक महासागर बन जाता है। और जब यह खसक रहा होता है पश्चिम की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि इसके पश्चिमी किनारे पर वहाँ पे मलबा जमा हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए मलबा। ये उत्तरी अमेरिका में भी है और दक्षिणी अमेरिका में भी है। अब इसी मलबा में जब बलन पड़ता है तो उससे रॉकी पर्वत और साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण है रॉकी पर्वत का, और एंडीज पर्वत का भी देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण है। अब आप इस मानचित्र में ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से वर्तमान में बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में अटलांटिक महासागर और यहाँ पे जो मलबा है जो नदी के द्वारा लाया गया था उसी में फोल्ड होने से यह रॉकी पर्वत बनता है और यहाँ पे एंडीज पर्वत बन जाता है। तो टेलर महोदय ने इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया, लेकिन अब इसकी आलोचना भी हुई। अब आलोचना इसमें क्या क्या हुआ है उसको ज़रा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलोचना में है कि पर्वतों के निर्माण के लिए 30 से 40 किलोमीटर तक ही महाद्वीप का विस्थापन होना चाहिए। इनकी आलोचना में कुछ विद्वानों ने कहा कि टेलर महोदय ने तो बहुत बड़ा विस्थापन कर दिया, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध से महाद्वीपों को चला करके इतना दूर तक फैला दिया और दक्षिणी ध्रुव से चला करके इतना फैला दिया, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया तक फैला दिया। तो इतना ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। जब वह पर्वत के निर्माण को समझा रहे थे तो इतना बड़ा पर्वत तो 30-40 किलोमीटर के विस्थापन से ही बन जाएगा, लेकिन आप ही सोच करके मुझे बताइए कि क्या इतना बड़ा बड़ा पर्वत सिर्फ 30-40 किलोमीटर महाद्वीपों के खिसकने से बनेंगे? नहीं बनेंगे, यह निश्चित है। तो यह आलोचना भी जो है ना इसका कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है, तो ये आलोचना भी कमजोर साबित होता है। दूसरा देख लीजिए, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन कम हो जाना चाहिए था। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब पृथ्वी से चंद्रमा बना या उस समय में तो घूर्णन बहुत तेज हो गया था, और लेकिन उसके बाद जब बना और उसका ज्वारीय बल ज़्यादा तेज गति से काम करता है तो रोटेशन कम हो जाना चाहिए था इसका, इसको तो इसका धीरे धीरे एकदम हो जाना चाहिए, धीरे धीरे एकदम हो जाना चाहिए। तो यह आलोचना जो है यह आलोचना का भी बेस कमजोर है। अभी वर्तमान में नए नए रिसर्च हुए हैं उससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का जो रोटेशनल गति है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, वह धीरे धीरे कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? शायद चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण कम हो जा रहा है, साथ ही इस पर उल्का वगैरह भी गिरते रहते हैं और जिससे पृथ्वी का मास बढ़ते जा रहा है और उसके कारण पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड कम हो जा रहा है, साथ ही इसका झुकाव भी ज़्यादा हो गया है। अब 23 डिग्री से यह 24.5 डिग्री या 24 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो यह तो निश्चित है कि पृथ्वी का घूर्णन धीरे धीरे कम हो जा रहा है। साथ ही अभी वर्तमान में जो चंद्रमा है उसका खींचने की ताकत भी थोड़ी सी कमी है, उस क्रिटेशियस युग से लेके अभी तक उसमें थोड़ा सा कमी हो गया है, अब उतने तेज गति से वह खींच नहीं पा रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि चंद्रमा जो है लगातार पृथ्वी से दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है और बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि सारे आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इससे यह दूसरी जो आलोचना है यह भी निराधार ही साबित हो जाती है। अब तीसरी आलोचना है उसको देखते हैं। यह सिद्धांत तृतीय युग से पहले के पर्वतों की बात नहीं करता। तो यह सिद्धांत जो है
टेलर महोदय ने पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ टर्शियरी कालीन पर्वतों के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले के पर्वत के बारे में उन्होंने बात ही नहीं किया। तो इस तरह से यह आलोचना भी कमजोर साबित होता है। इस पृथ्वी पे उससे पहले भी बहुत सारे पर्वत बने हुए हैं, जैसे आप देखेंगे कि भारत में ही यहाँ अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा पर्वत है, या फिर आप देखेंगे अपलेशियन का इधर पर्वत है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्वत है, नेवादा है, सियरा नेवादा है, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे पर्वतों को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम सिर्फ टर्शियरी कालीन पर्वतों के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो यह आलोचना भी निराधार ही है। अब देख लीजिए, चौथी आलोचना में कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने भूसन्नति और प्लेट विवर्तन की बात ही नहीं किया। तो आप ही बताइए, जब उन्होंने सिद्धांत दिया था 1908 में और उसके बाद पब्लिश किया 1910 में, तो उस समय में ये भूसन्नति का सिद्धांत तो था ही नहीं, न प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था, तो उस समय वो उसकी बात कैसे करेंगे। दूसरी बात है कि पर्वतों का निर्माण भूसन्नति से होता है, लेकिन होता तो अंदर से ही है ना, उसका निर्माण जो होता है वह महाद्वीपों के अंदर के चट्टानों से ही होता है। और टेलर महोदय ने तो कहा ही था कि जब महाद्वीप पश्चिम की तरफ जा रहे थे या दक्षिण से उत्तर आ रहे थे, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण आ रहे थे, तो उनके सिरा पर जो मलवा था उसी से पर्वत का निर्माण हो गया है, उसी में फोल्डिंग होने से हुआ है। तो उन्होंने अप्रत्यक्षतः यह बात तो कह ही दिया था। अब धीरे धीरे उस बात को, अब पांचवा आलोचना है, चंद्रमा की चट्टान पृथ्वी से पुरानी है। तो ये बात सही हो भी सकती है, क्योंकि सेलेनोलॉजी के अध्ययन से यह बात साबित हुआ है कि चट्टाने जो है ना चंद्रमा की, वो पृथ्वी से भी पुरानी पाई गई है। तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि चंद्रमा जो है चूंकि पृथ्वी से छोटा है और वह जब बना होगा तो गर्म रहा होगा, उसके बाद वह ठंडा हुआ है तो वह जल्दी ठंडा हो गया होगा, और पृथ्वी भी जब बना तो वह भी बहुत गर्म थी, लेकिन वह धीरे धीरे ठंडा हो रही है। मतलब छोटा पिंड जल्दी ठंडा होगा, बड़ा पिंड देर से ठंडा होगा। जो जितना जल्दी ठंडा होगा वहाँ चट्टाने भी उतनी जल्दी बन जाएगी, और जो जितना देर से गर्म होगा वहाँ की चट्टाने उतनी ही नई मानी जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो चट्टाने हैं वह पहले बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा ही पहले बन गया हो। हो सकता है पृथ्वी भी पहले बना हो और धीरे धीरे उसको ठंडा होने में देर हो रहा है, इसलिए इसका चट्टान भी देर से बना है। तो लेकिन एक बात तो है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से इन्होंने कराया है, यह बात शायद गलत होगा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी इसके बनने का एक अपना ही अलग एक सिद्धांत है। कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही हमारा सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी बना है। पूरा सोलर सिस्टम जो है वह सुपरनोवा विस्फोट के निकले हुए मटेरियल से बना हुआ है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि टेलर का सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत आगे के वेगनर के सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, और साथ ही साथ वेगनर का सिद्धांत और टेलर का सिद्धांत आगे आने वाले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, और एकदम वैज्ञानिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वह कई समस्याओं को एक साथ सोल्व करने की कोशिश करता है। भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पूरा महाद्वीप कैसे संचालित होते हैं, और पूरा प्लेट कैसे चलता है, कैसे बना है महासागर और महाद्वीप, इसके बारे में वो कहता है। तो उसका जो आधार है वह टेलर महोदय भी है। तो इस तरह से आप टेलर महोदय को समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।